जासूस की किताब पढ़ रहा हूँ, तुम जाके उठाओ ना। ऐसा क्या, जो बुक पढ़ रहे होते हैं वो फोन नहीं उठाते क्या? तुम जाओ ना प्लीज। लैमी, लैमी, फोन, फोन। बोलो क्या हुआ सेम? ओह, बात सुनने के लिए हेडफोन तो उतारो। क्या हुआ सेम? कब से फोन बज रहा है, जाकर उठा लो ना प्लीज। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। क्यों, ड्राइंग करने वाले फोन नहीं उठा सकते? कहाँ कहाँ बज रहा है फोन, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्योंकि वो कट गया अब। वो देखो दोबारा बज रहा है। मम्मी पापा बाहर गए हैं ना, हमें कौन सी चॉकलेट चाहिए शायद वो पूछने के लिए फोन किया होगा। हमारा सेम भी अजीब है। हेलो मम्मा। हेलो, अरे नहीं मैं हूँ दादाजी, कितनी देर से मैं फोन कर रहा हूँ। हेलो दादाजी, मुझे लगा मम्मी या पापा का फोन होगा, वो हम सब ऊपर बैठे थे ना। सेम, मैंने खास बात बताने के लिए फोन किया है। मैं जब मंडी में सब्जियां देकर आ रहा था तो दो लोग बाइक पर आए और मुझे रोक दिया उन्होंने, मेरे पैसे वाले बैग को उठाकर लेकर चले गए। सुना तुमने? सुनो दादाजी, अब क्या करेंगे? बेटा तुम ये बात जरा हैप्पी किड को बताओगे, अब वही कुछ कर सकता है। ठीक है दादाजी, ओके। लैमी, लुआय। गड़बड़? क्या गड़बड़? दादाजी का फोन था, उनके पैसों का बैग चोरी हो गया है। क्या? अरे बाप रे, अब क्या करें? बेचारे दादाजी इतने मेहनत से पैसे कमाए थे। चलो हैप्पी किड को बुलाते हैं, जल्दी करो। हाँ सही कहा, अब तो हैप्पी किड ही कुछ कर सकता है। गो, 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 हेलो दोस्तों। हाय हैप्पी किड। कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हुआ दोस्तों? हाँ हैप्पी किड, एक गड़बड़ तो तुम है। लोगों के साथ जो भी गड़बड़ हुई हो मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दादाजी के पैसे किसी ने चुरा लिए। ओ सच में? हाँ सच में। अभी दादाजी कहाँ है? उन्होंने कहा जब वो मार्केट में सब्जियाँ देने गए थे ये तब हुआ। तो वो उसी रास्ते में होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दादाजी को ढूंढता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग यहीं पर रहना, ओके बाय। हैप्पी किड सभी चोरों को कैसे पकड़ेगा? सच कहूँ तो मैं भी वही सोच रहा हूँ। हम लोग ये सब देख भी नहीं पाएंगे। क्यों ना हम भी जाकर देखें उन्हें। ऐसा करें क्या? एक बार देखकर आते हैं। ठीक है चलो। उन दुष्ट लोगों ने टायर की हवा भी निकाल दी। इस रास्ते पर ज्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आती है। नमस्ते दादाजी। अरे हैप्पी तुम आ गए, क्या बात है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कितने लोग थे दादाजी? दो लोग थे बाइक पर। क्या हुआ था? मैं धीरे धीरे गाड़ी चला के वापस घर जा रहा था, मंडी से निकलते ही वो मेरा बाइक से पीछा कर रहे थे। नमत शांति से बैग दो जल्दी। अरे नहीं, तुम कौन हो? बैग निकालो जल्दी, चलो। अरे जिंगू टायर की हवा निकाल दे। हाँ। चलो जल्दी से बैग निकालो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, ये लो बैग। और हाँ, अगर ये बात तुमने पुलिस को बताई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। अच्छा तो ये बात है, उनकी गाड़ी का क्या नंबर था दादाजी? KQB 1122। अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप यहीं पर रहिए, चोर यही आ जाएंगे। आएंगे वो भी इधर कैसे? आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए दादाजी, कमाल देखिए, घूम घूम बूम। वाह क्या लाजवाब बाइक। हाँ, लाजवाब बच्चे की लाजवाब बाइक। दादाजी मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? वाह ये बच्चा तो कमाल का है, इधर इंतजार करता हूँ तब तक। अच्छा ये दोनों इधर हैं। अरे हाँ ये तो वही है, अब मैं गायब हो जाता हूँ। Mm-hmm.
अरे जिंगू वो देख बाइक अपने आप चल रही है। ये तो कमाल है, हम इसे भी चुरा ले क्या? हाँ सही है। इधर कोई भी नहीं है, चलो। हम बहुत सालों से सोच रहे हैं हमारी खटारा बाइक बदलने के लिए, चलो आज इसे बदल ही देते हैं। वाह क्या बाइक है, जरा भगा के तो देखो भैया। घूम घूम बूम। भगाने को बाइक बनाने के लिए आए भैया। बच्चों तुम भी आ गए। हैप्पी कहाँ गया? चोरों को यहाँ लाने की बात कहकर एक शानदार बाइक पर सवार होकर गया। सुपर बाइक। ये वही चोर हैं। निकालो मेरे पैसे, चलो। कहा ना तुमसे पैसे वापस दो। मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, तुम दोनों को राख कर दूंगा। अरे हमें कुछ मत करो, ये लो पैसे। दादाजी पैसे मिल गए, अब आप खुश है ना? हाँ हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे हैप्पी। हाँ बिल्कुल। नहीं ऐसा मत करो प्लीज। बिल्कुल शांत रहो। घूम घूम बूम। पुलिस स्टेशन पहुँच जाओ। दोनों कभी पुलिस के हाथ लगते ही नहीं, अब जेल में मजा आएगा। हाँ सही कहा। वो राख बनाने का मंत्र करके तो दिखाओ। राख करने का मंत्र? और क्या, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, राख कर दूंगा। थ्री ट्रूम फोर। हेलो फ्रेडी अंकल, मैं मक्तू बोल रहा हूँ। हाय मक्तू, आज कैसे याद किया तुमने? ओह कुछ खास नहीं हूँ, उन बच्चों और हैप्पी किड की वजह से कोई चैन ही नहीं है, मेरी नाक में दम कर रखा है। हा? मेरे बॉस के जैसे तुम्हारी भी नींद उड़ गई है क्या? वही तो, आपके उस्ताद ने कुछ नया नहीं बनाया क्या? वही जानने के लिए फोन किया है। कुछ तो बना रहे हैं, वो अभी पूरा ही होने वाला है, तुम जरा आधे घंटे के बाद आओ ना, सब कुछ सही कर देंगे वो, ठीक है मक्तू? थैंक यू फ्रेडी अंकल, थैंक यू वेरी मच। हाँ आखिरकार मैंने कर ही दिया, मैंने बना ही लिया। ओहो तो तुम सब छुप कर देख रहे थे? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो तो मैं दरअसल मैं पिक्चर देख रहा था। झूठ बोलते हो, पिक्चर और यहाँ पर? हाँ हाँ वही बॉस, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हॉलीवुड के एक हीरो हो। बॉस आपको देखकर मुझे सचमुच लग रहा था कि मैं एक सिनेमा देख रहा हूँ। ओहो तो तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं कोई सुपर हीरो हूँ? और यही नहीं बॉस, आपको देखने से मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज आते हैं। वाह तुम तो कमाल के हो, तुम्हें मुझे देखकर और क्या क्या लगता है बताओ तो मुझे। और तो थोड़ा सोचने दीजिए बॉस, एक थप्पड़ लगाने का मन करता है, ये कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं, खुद को बड़ा साइंटिस्ट समझता है। इन्हें और इनकी सारी बनाई हुई चीजों को कुएं में डाल देना चाहिए। रेड्डी बहुत सोच लिया तुमने, अब बताओ मुझे, मुझे देखकर और क्या क्या लगता है बोलो तो। बॉस आप तो एक महान आदमी हो, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग आप में ही है। थैंक यू रेड्डी। बॉस ये आपके हाथ में रिंग कैसी, कहीं पड़ी मिली थी क्या? चुप करो, पड़ी हुई कैसे मिलेगी? तुम्हारा मतलब मेरे काम और मेरे दिमाग का कोई मोल नहीं, बताओ मुझे। बॉस आपको देखकर हॉलीवुड पिक्चर में एक्टर। हाँ ठीक है, वैसे ये एक अलग किस्म की रिंग है। दिखाइए बॉस। ये देखो मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, पहले मैं इसे उंगली में पहन लूंगा। हाय फ्रेडी। हाय। हाँ ये काम कर गया, अपने टेस्ट में ये कामयाब रहा। ये क्या बॉस, मैं हाय बोलती ही ऐसा क्यों हो गया? इसे कहते हैं हायरिंग,
इसे पहनने वाले को देखकर जो भी हाय बोलेगा वो मूर्ति बन जाएगा। क्या बात है बॉस। बॉस प्लीज मुझे पहले जैसा कर दीजिए ना। अब फ्रेडी अगर तुम्हें सही होना है तो मुझे तुम्हें फिर से हाय बोलना होगा, समझ गए? वाह बॉस, आपके हाय बोलते ही मैं एकदम सही हो गया। यही इसकी शक्ति है। वो देखिए मक्तू आ रहा है, इसको ये रिंग देने से शायद ये हैप्पी किट को मूर्ति बना दे। हाँ ये सही रहेगा। फ्रेडी अंकल मैं आ गया। आओ मक्तू, तुमसे एक काम था। क्या बात है बताइए तो। सब बताता हूँ। सेम, ज्यादा दूर मत जाना, हमारे घर जाने का टाइम हो रहा है। बस हो ही गया, आखिरी चक्कर मार के आया। सेम के एक चक्कर का मतलब है लगभग 2 किलोमीटर। जल्दी आ जाऊंगा। आज तो मजा आएगा। ये तो मक्तू है ना, ये खुद से ही बातें कर रहा है। इसी रिंग से मैं उन्हें आज मूर्ति बना दूंगा, फिर इसी बनाना आइलैंड में सबसे बड़ा हीरो मैं। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसकी इस रिंग से बच कर रहना होगा। अरे ये तो बॉस का फोन है। बॉस मैं ये रिंग लेकर उनके पास ही जा रहा हूँ। ओवर। जहाँ मक्तू हो वहाँ गड़बड़ ना हो, ऐसा होगा क्या? दाल में पक्का कुछ काला है। ये क्या, ज़ेम तो जल्दी आ गया। वो बहुत तेज आ रहा है। लैमी, हैप्पी, लुआए, मुझे कुछ पता चला है। ये देखो ज़ेम फिर से शुरू हो गया। मजाक की बात नहीं है, मक्तू इधर ही आ रहा है और उसके हाथ में एक रिंग भी है। हाई रिंग। हाई रिंग? हाँ वैसा ही कुछ, मेरे ख्याल से डगलस ने दी है उसे। हाई रिंग, इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मक्तू को भी आने दो, लेकिन तुम लोग उसे भाव मत देना, ठीक है? ठीक है। एक ही तीर से 4 निशाने, अरे नहीं 4 दुश्मन, आज मैं सबकी एक साथ खबर लूंगा। हाय दोस्तों। हैप्पी, मैं एक कहानी सुनाऊं क्या? हाँ बहुत साल हुए हैं, कोई अच्छी कहानी सुने हुए। हमें भी सुनना है। लोमड़ी वाली पता है क्या? इन्होंने मुझे देखा नहीं क्या? ठीक है लोमड़ी की कहानी सुनाती हूँ। कहानी में बनानास के बारे में भी कुछ होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो मैं यहाँ हूँ, सुन रहे हो क्या? मक्तू भी होता तो वो भी कहानी सुन लेता। हाँ वही बेचारा अभी पता नहीं कहाँ होगा। अरे मैं तो गायब ही हो गया। अरे वो फ्रेडी अंकल और डगलस अंकल ने मुझे धोखा दिया। हाय लैमी, हाय हैप्पी किड, हाय लुआए, हाय ज़ेम। तुम कहानी सुनाओ ना लैमी, फिर बाद में जब मक्तू मिलेगा तो उसे फिर से सुना देना। सही कहा, एक जंगल में एक अच्छा सा बंदर रहता था। वो धोखेबाज फ्रेडी ये रिंग पहनने से मुझे देखकर जो हाय बोलेगा वो मूर्ति बन जाएगा, ये बोलकर मुझे बुद्धू बनाया उसने, उल्टा मुझे गायब ही कर दिया। तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा। फिर वो बंदर पीछे मुड़ गया और उसके पीछे शेर आ गया था। फिर एक और बार कोशिश करके देखता हूँ दोस्तों। अरे आगे की कहानी बताओ ना। नहीं मुझे कोई नहीं देख पा रहा है। डगलस, फ्रेडी, तुम दोनों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हाथी की तरह आया और चूहे की तरह गया। आज डगलस के घर में कुछ तो जरूर होगा। चलो दोस्तों देखना नहीं है क्या? हाँ, और क्या देखना है? इस मक्तू का विश्वास कर सकते हैं क्या फ्रेडी? 100% विश्वास कर सकते हैं। वो बहुत खास बच्चा है, वो चाहे तो उन चारों को एक बार में गिरा दे। देखो कैसे हंस रहे हैं, मुझे बुद्धू बनाने की बात पर हंस रहे होंगे। अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा, वो भी संभल कर। वो देखो मक्तू उनके पास ही जा रहा है। जाने दो, हम यहाँ से ही देखते हैं। या तो मक्तू या फ्रेडी और डगलस, दोनों में से कौन जीतता है देखते हैं। अब एक बार इन पर भी इस्तेमाल करके देखता हूँ। हाय अंकल। हाय। अरे ये तो मूर्ति बन गए, तो आप लोग मुझे देख सकते हो? अरे तुमने ये क्या कर दिया?
मक्तू, क्या हमें मूर्ति बनाने को बोला था क्या तुम्हें? पर उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं, मुझे लगा आप लोगों ने मुझे गायब कर दिया है। अरे बेवकूफ, वो भी एक नंबर का। चलो अब जल्दी से हमें देखकर हाय बोलो, तुम्हारे हाय कहने पर ही हम पहले जैसे हो सकते हैं। अरे हाय तो बोल कर जाओ। अरे गधे, नहीं तो फिर हमारी हमेशा हमेशा के लिए वाट लग जाएगी।